हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने BHIC 102 का कंप्लीट कर लिया। यूनिट 3 की बारी है। तो यूनिट 3 एक्चुअली में काफ़ी लेंदी है, तो इसे अगर आप पूरा भी पढ़ना चाहो तो पढ़ नहीं पाओगे। अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले पढ़ा है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर कोई बाद में देख रहा है, लाइक दिसंबर 2021 एग्ज़ाम के बाद देख रहा है, तो आई एम सॉरी कि मैंने इस चैप्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, क्योंकि अभी हमारा 24th को एग्ज़ाम है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी रिविज़न करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आपका भी एक छोटा सा रिविज़न हो जाए, ताकि आप इतना जान लो कि आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है। तो इस वाले यूनिट 3 में आपको मेनली पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड को पढ़ना है। आपने ज़रूरी इंडिया के पर्सपेक्टिव में स्टोन एज को पढ़ा होगा, तो बस वही हमें अभी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको मिल जाएगी। पैलियोलिथिक एज के अंदर हमें लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक पढ़ना होगा। देन आपका एक मेसोलिथिक पीरियड आ जाएगा, जो कि अलग अलग आपके प्लेसेस पे, लाइक यूरोप में, ब्रिटेन में, साउथ वेस्ट एशिया में, अलग अलग जगह पे है। तो इतना डिटेल में पढ़ने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ पॉइंट्स याद रख लो, लाइक पैलियोलिथिक एज में हंटिंग होती थी और जो वे ऑफ लाइफ था वो हंटिंग, फूड गैदरिंग ही था। उसके अलावा और कोई वहाँ पे काम, एग्रीकल्चर वगैरह नहीं था पैलियोलिथिक एज में। ये सबसे पुराना वाला जो लेंदीएस्ट स्टोन एज है वो पैलियोलिथिक है। तो ऐसा माना जाता था कि जितना भी एक्टिविटी है, हंटिंग गैदरिंग, फैमिली का ध्यान रखना, रहने की प्लेसेस खोजना, ये सारी जो थी वो मेल की एक्टिविटी थी। बट बाद में कहीं ना कहीं इसमें ऐड किया गया कि ये वुमेन्स जो हैं वो सेम कंट्रीब्यूट करती थी, जितना मेल काम करते थे उतना ही वुमेन्स भी काम करती थी। देन आपके लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में आपको कुछ स्टोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। वैसे तो ये आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको भी बाकी के भी चैप्टर पढ़ना है तो स्किप कर दो इस पार्ट को, नाम याद रख लो बस। लाइक लोअर पैलियोलिथिक में आपका 600 CC ब्रेन की कैपेसिटी होती थी, और इस टाइम में भी लैंग्वेज का पोजेशन था, और ग्रिप जो था वो उन लोगों का भी ह्यूमन लाइक ग्रिप था, लाइक कि आप हाथ से अपने कैसे पकड़ते हो कोई भी चीज़ को, वैसे ग्रिपिंग था उनका। और स्टोन टूल्स को मैन्युफैक्चर करते थे, जिसमें आपके होमो हैबिलिस का नेम डाला गया है लोअर पैलियोलिथिक में, जो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम एग्जिस्ट करता था। मैं यहाँ पे आपको लाइक स्क्रॉल कर ले रही हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक में आपको एक मिलेगा ओल्डवॉन टूल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक्चुअली ये सारी बताया गया है कि कैसे टूल्स बनते थे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो लोग। मान लो उस टाइम पर टेक्नोलॉजी था नहीं, पता नहीं क्यों नाम रखा गया है, टेक्निक हम बोल सकते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करके कैसा स्टोन टूल बनाया जाता था, बट यही सब। तो ओल्डवॉन टूल टेक्निक का यूज़ करके चॉपिंग टूल्स का बनाते थे वो लोग, स्टोन को यूज़ करके। और प्रकेशन मेथड्स यूज़ करते थे, लाइक एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रगड़ करके उसे शार्प करते थे और बनाते थे। और आपके कुछ कुछ टर्म्स है, लाइक नैपिंग हो गया, डेबिटेज हो गया, ये सारी छोटे छोटे टर्म्स हैं। और इन स्टोन टूल्स का यूज़ किस में करते थे, वो स्किनिंग के लिए, किसी जॉइंट को ओपन करने के लिए, लाइक हड्डियों में जॉइंट होता है ना, तो उसको ओपन करने के लिए और मीट वगैरह कट करने के लिए इन टूल्स का यूज़ करते थे। इसमें आपको और भी बहुत सारे टेक का मिलेगा नाम, तो वो सारी टेक्निक को याद करने की उतनी ज़रूरत है नहीं। याद रख लो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, स्टोन टूल कैसे बनता था। स्टोन टूल में लाइक सबके हैंड एक्स आ गए, क्लीवर्स आ गए, टीयर ड्रॉप टूल आ गया, तो बस ये सारी चीज़ें थी। और होमो इरेक्टस जो थे वो फर्स्ट थे जो अफ्रीका से बाहर निकले थे। देन यहाँ पर आपका आ गया, हाँ, एक और चीज़ कि वो लोग स्मॉलर बैंड्स में रहा करते थे, कई बार लार्जर बैंड्स मतलब लार्ज ग्रुप में रहते थे, कई बार स्मॉलर ग्रुप में रहते थे। लोअर पैलियोलिथिक में ये हो गया। मिडिल पैलियोलिथिक में आपको नियांडरथल्स के बारे में पढ़ना है। दो तरह की यहाँ पे टूल्स है, मॉस्ट्रेरियन टूल्स लाइक लेवलियोस और डिस्क, ये दो तरह के टूल्स के यहाँ पे बताए गए हैं। तो इनको भी याद नहीं होता छोड़ दो, याद रखो। मिडिल पैलियोलिथिक में स्पीयर थे टूल्स में, और वेल प्लान्ड माइग्रेशन होता था उनका, मतलब कि पूरी प्लानिंग के साथ वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे नियांडरथल्स जो थे। और केव्स, रॉक शेल्टर्स में ये लोग रहा करते थे। इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी वो कभी कभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, और बरियल प्रैक्टिस भी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी लोगों के कंपेरिजन में। मिडिल पैलियोलिथिक में बस इतना ही ऐड करना है आपको। कहाँ गया मिडिल पैलियोलिथिक, यस, हाँ यहीं पर आ गया।
यस मिडिल पैलियोलिथिक किया आ गया। उसके बाद आप आ जाओ अपर पैलियोलिथिक में। अपर पैलियोलिथिक कल्चर में आपको क्रोमैग्नन मैंस के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके होमो सेपियंस हैं। ये साउथ वेस्टर्न फ्रांस वगैरह में एग्जिस्ट करते थे उस टाइम में, 40,000 ईयर्स अगो। ये ब्लेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, शार्प लॉन्ग पैरेलल साइड ब्लैंक्स के जो टूल्स वगैरह थे उस तरह के। और इनका जो काम था वो हंटिंग और स्किनिंग, वुड वर्क, ये सारी जो चीज़ें थी वो उसमें यूज़ करते थे स्टोन टूल्स को। और टूल्स में आपके आ गए स्क्रेपर्स, नाइफ्स, आई नीडल्स, ब्यूरेंस, ये सारी चीज़ें थी। और इन्हें वो फ्लिंट या चर्ट का यूज़ करके बनाते थे, ये सारे स्टोन्स का यूज़ करके वो इन अपने टूल्स को बनाते थे। इनका भी वही काम था, गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग। और ये मोस्टली जो इनका माइग्रेशन होता था वो रिवर वैली के साइड होता था, उसी साइड में वो माइग्रेट करते थे और ग्रुप्स में रहा करते थे ये भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। और इनमें क्या रखना, एक डीटी मिली थी वेनस फ्यूग्रीन करके, यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा। तो वो एक नाम लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रेविटस वे पर्टिकुलरली नोन फॉर वेनस फ्यूग्रीन। वो कहा जाता था कि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह के वो पार्ट थे। देन आर्टिस्टिक स्किल्स में आप पेंटिंग जानते ही हो कि पुराने ज़माने के लोग कैसे पेंटिंग करते थे, लाइक इंग्रेविंग, पेंटिंग, स्टोन्स का यूज़ करके, बोन्स का यूज़ करके, वुड का, क्ले का, आइवरी का, जो भी उन्हें वहाँ पे मेटल्स वगैरह जो भी मिलता था उनका यूज़ करके। तो जर्मनी में हमें काफ़ी सारे केव पेंटिंग्स वगैरह मिले हैं, बस इतना याद रखना। देन मेसोलिथिक पीरियड जब आ जाता है आपका, ये रॉक आर्ट वगैरह इसको स्किप कर देना, वही पेंटिंग्स वगैरह को लेकर के, तो ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं इसमें, खुद से लिख सकते हो। मेसोलिथिक पीरियड में आपको क्या हो गया था कि जो कोल्डर इन्वायरमेंट था, जो बहुत ही ठंड वाला इन्वायरमेंट था, वो धीरे धीरे वार्मर क्लाइमेट में चेंज हो रहा था। तो वार्म क्लाइमेट जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे सी लेवल जो है वो राइज कर रहा था, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे। तो नेचुरल चेंजेस काफ़ी सारी हो रही थी। तो मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज़ किया जाता है। माइक्रो मतलब आपको पता है स्मॉल, तो बड़े बड़े टूल्स की जगह पे छोटे और शार्प टूल्स का यूज़ करने लगे थे लोग। पॉपुलेशन जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि फूड की जो अवेलेबिलिटी थी वो बढ़ रही थी, नेचुरल चेंज जैसे मैंने बताया हो रहा था। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही थी, और ये जो माइक्रोलिथिक इनके टूल्स थे, सॉरी माइक्रोलिथ्स, ये इनका साइज़ जो था इनका जो साइज़ था वो स्मॉल था, काफ़ी शार्प टूल्स थे और काफ़ी यूज़फुल थे, हैंडी टूल्स थे। फिर ये वेपन्स भी बनाने लगे, लाइक वो फिशिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो सब, बो एंड एरो, ब्लेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। ब्लेड टेक्नोलॉजी मतलब कि आपके दोनों साइड पे पत्थर के जो टूल्स हैं उनके दोनों साइड पे ब्लेड्स होगा। तो मेसोलिथिक पीरियड में बस इतना ही आपको जानना है, ये टूल्स के फ़ोटो वगैरह देख लो, याद रहेगा। और इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा है ना, मेसोलिथिक कल्चर्स इन यूरोप और स्कैंडिनेविया, ब्रिटेन एंड साउथ वेस्ट एशिया, ये सारी चीज़ों को उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर देना। नोट जो मैंने लिखे हैं वो मैं ड्राइव में अपलोड कर दे रही हूँ, इसको ही इतना पढ़ लेना। अगर आप समझ रहे हो मेरे नोट्स को कि मैंने क्या लिखा है इसमें, वैसे तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ के लिखा है, बट अगर आप इतना भी याद कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। इससे कुछ आएगा तो आप लिख दोगे, इसमें और पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड करने पड़ रहे हैं, और अभी भी मैंने सिर्फ थीम 1 कम्प्लीट किया, थीम 2, 3, 4, 5, 6 तक बाकी है। तो मैं पक्का ये कंफर्म नहीं कर सकती हूँ कि मैं सारे थीम कंप्लीट करवा दूँगी, लेकिन जितने चैप्टर्स होंगे उतनी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ताकि एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में पास हो जाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6 मैं जितनी जल्दी होगी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।